दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स रोजाना बाहर निकल कर आती है। अभी रिसेंटली टीम केकेआर में जो कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कि श्रेयस अय्यर हैं, इसके अलावा अगर बात करें तो रिंकू सिंह है, ये अभी नेशनल ड्यूटीज़ के ऊपर गए हुए हैं और लॉर्ड ठाकुर को भी कोई कैसे भूल सकता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, चाहे कुलदीप यादव हो, शुभमन गिल हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि एक्स केकेआर खिलाड़ी हो चुके हैं, सब अभी अभी नेशनल ड्यूटीज़ के ऊपर है, तो सबको हम ऑल द बेस्ट कहते हैं कि वो कप से यहां पर जरूर जीते, चाहे वो एशियन कप जो एशियन गेम्स है उसके अंदर गोल्ड मेडल हो या फिर दोस्तों वर्ल्ड कप के अंदर वर्ल्ड कप फाइनल में जाकर टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना हो। सब अपने अपने रिस्पेक्टिव जो भी प्लेयर्स हैं एक्स केकेआर के जहां पर भी वो खेल रहे हैं, चाहे एशियन गेम्स में चाहे यहां पर वर्ल्ड कप में, सब अच्छी परफॉर्मेंस दें। और अब आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। सो बात करेंगे यहां पर दोस्तों किस बारे में, आज मैं आपको एक डिटेल वीडियो देने वाला हूं जो कि डिटेल वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट जो मैं आपको एक्सप्लेन देने वाला हूं वो जो सुनकर आपको पूरी वीडियो देखना आपके लिए बिल्कुल यहां पर सही रहेगा, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। वीडियो में जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और अपील करना चाहता हूं। काफी सारे लोग फैंटेसीज वगैरह खेलते हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री के अंदर हर एक चीज मिल जाती है, आपको टीम्स मिलेगी, विन प्रिडिक्शन, टॉस प्रिडिक्शन, हर एक चीज मिलेगी एक्यूरेसी के साथ। वहीं दोस्तों आपको जो भी क्रिकेटर्स हैं खासतौर पर श्रेयस अय्यर वगैरह, केकेआर के जितने भी प्लेयर्स हैं ये प्रैक्टिस करते हैं, उनकी प्रैक्टिस वीडियोस भी हमारे टेलीग्राम पर पोस्ट कर देते हैं, तो फटाफट नीचे लिंक है उसको फॉलो कर लो। लिंक अगर आपसे नहीं चल रहा है तो इंस्टाग्राम का भी लिंक है जो चैनल का नेम है, वहां जाकर हमें फॉलो कर लो। अब बात कर लेते हैं यहां पर दोस्तों टीम केकेआर की, मैं आपको प्लेइंग 11 और उसके ऑप्शंस बताने वाला हूं और काफी कुछ यहां पर चीजें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत कर लेता हूं बेसिक नॉलेज से। सो टीम केकेआर साल 2023 के अंदर पॉइंट्स टेबल के ऊपर नंबर 7 के ऊपर रही थी, 14 इन्होंने मुकाबले खेले थे जिसमें इन्होंने जीते थे 6, 8 मुकाबले इनके हारे हुए थे, 12 पॉइंट्स टेबल के ऊपर थे। अब बात करें तो इनके नीचे तीन टीम थी, कौन सी, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद। अब दोस्तों टीम केकेआर दुख की बात तो है कि यहाँ पर 7वें नंबर पर रही है, बट सबसे बड़े दुख की बात है कि कल की आई आरसीबी नंबर 6 के ऊपर थी, हालांकि उखाड़ा उन्होंने भी कुछ नहीं, एक मैच बस टीम केकेआर से आसपास ज्यादा जीता है। तो अगर बात करें यहाँ पर टीम केकेआर की जो कि नंबर 7 के ऊपर थी, उसके प्लेइंग 11 के ऊपर नजर डालते हैं। अब यूं तो प्लेइंग 11 के अंदर टीम केकेआर ने एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर 10 या फिर 12 प्लस चेंजेस किए, यानी 10 या फिर 12 से भी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, उसको पर अगर काउंट किया जाए तो 19-20 काउंट निकल कर आएगा या फिर शायद 21 भी चेंजेस यहाँ पर टीम केकेआर ने ऐसा कर दिए हैं। बट मैं आपको टीम केकेआर की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 साल 2023 की बता देता हूँ, फिर चेंजेस भी गिनाऊंगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो नंबर 1 से बैटिंग ऑर्डर वाइज मैं आपको नंबर 11 के ऊपर लेकर चलता हूँ। जेसन रॉय, रहमानुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा। तो ये हो चुके हैं आप सभी के लिए 11 नाम और तूफानी 11 हैं। ओपन करने आते हैं जेसन रॉय और गुरबाज, और यहाँ पर नंबर 3 के ऊपर एक लेफ्टी कॉम्बिनेशन आ जाता है अगर ओपनिंग फेल हो जाए तो, क्योंकि वेंकटेश अय्यर भी ओपनर है तो ओपनिंग के तौर पर ही संभाल लेते हैं। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं यहाँ पर नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, शार्दुल ठाकुर, छोटा बहुत पैकेज है यहाँ पर शार्दुल ठाकुर को अगर अपन काउंट करें, बट रिंकू सिंह और आंद्रे रसल अगर खुद ही चल जाते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस आंद्रे रसल ने इस बार टीकेआर में दिखाई है और रिंकू सिंह तो आईपीएल में धमाका मचा ही रहे हैं, तो ये बन जाते हैं टॉप परफॉर्मेंस। वहीं दोस्तों शार्दुल ठाकुर और सुनील नारायण नीचे यहाँ पर अच्छे हाथ आजमा सकते हैं। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा यहां पर बॉलिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे, अगर टीम ऊपर से कोलैप्स कर जाती है तो एक दो अल्टअप पे ये भी लगा सकते हैं। तो ये हो चुकी है टीम की यहां पर मैंने आपको प्लेइंग लाइन बता दी है, जिसमें से हमारे पास पेस बॉलर्स और ऑलराउंडर्स की भी कमी नहीं है। वेंकटेश अय्यर अभी खुद को बॉलिंग के लिए तैयार कर रहे हैं तो इस साल उनको ऑलराउंडर्स में नहीं गिनते हैं। आंद्रे रसल यहाँ पर ऑलराउंडर है, शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर है, सुनील नारायण यहाँ पर ऑलराउंडर कंसिडर आप इनको कर सकते हो। तो ये तो हमारे पास मेन तीन ऑलराउंडर हो गए जो कि बॉलिंग बैटिंग कर सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग कर लेंगे, हर्षित राणा बॉलिंग कर लेंगे, वैभव अरोड़ा बॉलिंग कर लेंगे, तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अगर बात की जाए तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर सुयश शर्मा आ जाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर बेनिफिट टीम के
केकेआर के लिए रह जाता है, अगर एक स्पिन डिपार्टमेंट उनको चाहिए होता है तो सुनील नारंग को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये इंपैक्ट प्लेयर की बात हो गई। इसके अलावा अगर बात करें तो कुलवंत खैजरोल या उमेश यादव, लॉकी फर्गसन, यहाँ पर टिम साउथी और नारायण जगदीशन, लिटिन दास, ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनको टीम केकेआर ने एक मुकाबला ज़रूर दिया है। साथ ही साथ अगर मनदीप सिंह की भी बात करें, एक एक दो दो मुकाबले सबको दिए, परफॉर्मेंस करी हो ना करी हो उनको बाहर फिर बिठा दिया गया है। तो अब बात करते हैं टीम केकेआर में ऐसा क्या होने वाला है जो कि साल 2023 के अंदर नहीं था। साल 2023 के अंदर सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है, यहाँ पर चंद्रकांत पंडित का होना। तो जो रणजी के अंदर उन्होंने इमेज बनाई है उसको यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पाए आईपीएल साल 2023 के अंदर, बट उम्मीद करेंगे साल 2024 के अंदर सातवें नंबर के ऊपर रही हुई केकेआर तीसरी बार टाइटल जीते और नंबर एक के ऊपर आए। और यहाँ पर सबसे बड़ा मेजर अट्रैक्शन का जो पॉइंट है साल 2024 का वो ये है कि इनके अग्रेसिव जो कैप्टन है श्रेयस अय्यर वो यहाँ पर लौटने वाले हैं। अब ऐसे के अंदर प्लेइंग 11 जो कि पूरी तरह से भरी हुई है वहाँ पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हमें देखने को मिलेगा। और यही नहीं कि सिर्फ श्रेयस अय्यर आएंगे और बाकी की टीम वैसे के वैसी रहेगी, यहाँ पर हमें चेंजेस और भी देखने को मिलेंगे। खास तौर पर मिनी ऑक्शन के टाइम काफ़ी कुछ बदलने वाला है, कुछ बड़े प्लेयर्स टीम केकेआर से बाहर जाएंगे, एक बड़ी स्पेस बनेगी और टीम केकेआर के अंदर आ जाएंगे और बड़े बड़े प्लेयर्स। अब वो ओवरसीज हैं, इंडियन है, क्या कंडीशन है उसके लिए तो आपको ज़रूर वेट करना पड़ेगा क्योंकि मिनी ऑक्शन जब तक नहीं आता है उसके आसपास पहले कोई न्यूज़ नहीं आएगी, बट श्रेयस अय्यर का आना बहुत कुछ दर्शा देता है। पावरफुल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो यहाँ पर देखा जा रहा है मिनी ऑक्शन के लिए मिचेल स्टार्क हैं, स्पेंसर जॉनसन हो, शाई होप है, ब्रेंडन किंग है, ये ओवरसीज ऑप्शंस है। इंडिया के अंदर भी और भी ऑप्शंस है बट एक बार ट्रेड विंडो ओपन होएगी तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिलेगा। बट होपफुली यहाँ पर अभी खबरें निकल कर आ रही है कि लॉकी फर्गसन को टीम केकेआर यहाँ पर रिलीज कर देगा जिससे उनको 10 करोड़ के आसपास पर्स मनी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शार्दुल ठाकुर को वो अभी रिलीज नहीं करना चाहते हैं। और अगर बात करें तो शार्दुल ठाकुर का जो बॉन्ड यहाँ पर श्रेयस अय्यर के साथ और चंद्रकांत पंडित के साथ है वो वन ऑफ दी बेस्ट बॉन्ड माना गया है, क्योंकि यार दोनों टीम इंडिया के लिए भी खेलते हैं और दोनों अपने अपने स्टेट के लिए भी खेले हैं और दोनों चंद्रकांत पंडित के अंडर भी खेले हैं। ऐसे और भी प्लेयर्स हैं टीम केकेआर में जो अंडर खेले हैं, बट हाँ अभी करंट प्लेयर में अगर इन तीनों का ही बॉन्ड देखा जाए और इन दो प्लेयर का ऐसा प्लेयर बॉन्ड देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। तो ये तो हो गई प्लेयर पर्सपेक्टिव की तरफ से बॉन्ड है, बट प्लेइंग 11 के अंदर श्रेयस अय्यर का आना एक चीज़ दर्शाता है कि टीम केकेआर की प्लेइंग 11 तो मजबूत हो जाएगी, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ फिर करना पड़ेगा एक तौर पर, क्योंकि यहाँ पर श्रेयस अय्यर करते हैं सिर्फ बैटिंग। और क्या श्रेयस अय्यर को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर बाहर कर दिया जाएगा तो यार यहाँ पर कैप्टन कौन रहेगा? तो इसका सीधा सा आंसर है श्रेयस अय्यर पूरे 20 ओवर फील्डिंग करेंगे, पूरे 20 ओवर वो जब तक आएंगे जब तक बैटिंग करने की कोशिश करेंगे तो इम्पैक्ट प्लेयर वो नहीं होने वाले हैं। नीतीश राणा भी अभी खुद की बॉलिंग के ऊपर काफी काम कर रहे हैं तो वो भी बाहर नहीं जाएंगे। अब ऐसे के अंदर जो नीचे वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, ये जो प्लेयर्स होने वाले हैं ना नीचे के, यही कॉम्प्रोमाइज होने वाले हैं क्योंकि ऊपर का जो प्लेइंग 11 वो पूरा तरीके से पैक्ड है। और मैंने आपको जैसे बताया कि एक दो प्लेयर्स और आने वाले हैं तो उनका करंट परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मायने रखेगा कि टीम केकेआर प्लेइंग 11 के अंदर किस प्लेयर को रखता है, किसको बिठाता है। बट जो मेन बड़े नाम वाले खिलाड़ी हैं शुरुआती तौर पर उनको तो प्लेइंग 11 के अंदर रखा ही जाएगा। सो ये थी मेरी एक डीप एनालिसिस प्लेइंग 11 के ऊपर। आने वाले टाइम में हम एक और वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताओ कि क्या आप वो वीडियो देखना चाहोगे जिसमें हम कंपेयर करेंगे साल 2023 की प्लेइंग 11 और साल 2021 की प्लेइंग 11 या ऐसा ही कोई चटपटा सा टॉपिक। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।